हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास सिक्स मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसके 1 to 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1, जो बिलोंग करती है चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग से। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन किया था, उसको देखने के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं 9.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, कोई क्लास टेस्ट है मैथ का, उसमें द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट। एक क्लास है, सिक्स क्लास में 40 स्टूडेंट है, उसमें 40 स्टूडेंट के मार्क्स बता रखे हैं कि कितने आए मैथ में टेस्ट में। अरेंज दीज मार्क्स, इन मार्क्स को अरेंज करना है यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें इन नंबर ऑफ जो मार्क्स दे रखे हैं इनको अरेंज करना है। क्या क्या मार्क्स दे रखे हैं, कोई 10 मार्क्स का टेस्ट होगा तो एक स्टूडेंट को 8 नंबर आए हैं, फिर 1, 3, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 2, 4, 9, 5, 3, 7 ऐसे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से 9 तक मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा मार्क्स किसी भी बच्चे की नहीं है, 10 और 1 से 9 तक मार्क्स हो गए। तो पहले हमें क्या करना है, जो ये मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ था इसमें 40 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, तो हमें इसको टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें डाटा हैंडलिंग की एक टेबल बनानी है, जो इंट्रोडक्शन में हमें बना के दिखाई थी टैली मार्क्स में डाटा हैंडलिंग का। तो कैसे करेंगे, इधर तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, मार्क्स, फिर क्या लिखेंगे, इधर हम टैली मार्क्स लिख देंगे। टैली मार्क्स के बाद क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये टेबल बनाने से पहले देखो ये क्या दे रखे है डाटा, किस चीज के डाटा दे रखे है, मार्क्स के डाटा दे रखे है, मार्क्स दे रखे 40 स्टूडेंट के, तो क्या दे रखे है, मार्क्स। तो डाटा क्या दे रखे है, मार्क्स, तो मैंने यहाँ पर मार्क्स लिख दिया। फिर टैली मार्क्स का यूज करना है तो टैली मार्क्स का कॉलम बनाएंगे, और ये क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, तो ये टेबल बनानी है सबसे पहले। अब कितने मार्क्स है, 1 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कहां तक मार्क्स है, 9 तक मार्क्स है। 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया है, काउंट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1, फिर आगे कहां पर 1 मार्क्स नहीं है, फिर 2 स्टूडेंट के, इसके बाद किसी के भी 1 मार्क्स नहीं आए हैं, तो कितने स्टूडेंट के 1 मार्क्स आए हैं, 2 स्टूडेंट के 1 मार्क्स आए। 2 मैंने कर लिया, कितने बार 1 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसके सामने यहां पर लिख देंगे कि कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 के लिए कौन सा टैली मार्क्स आता है, टू के लिए 2 वर्टिकल लाइन, ये 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है टैली मार्क्स में। अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आ रहा है, यहां से स्टार्ट करेंगे और सर्कल लगाते चलेंगे, एक तो ये हो गया, फिर 2 कहां आ रहा है, ये हो गया, ये हो गया, और इसके बाद कहीं भी 2 दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए हैं, 3 स्टूडेंट को आए हैं, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 के आगे क्या लिख देंगे, 3 स्टूडेंट को, 3 स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए हैं, 2 मार्क्स आए हैं, और 3 के लिए टैली मार्क्स कैसा यूज करेंगे, 1 के लिए 1 वर्टिकल लाइन, 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन और 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन, तो 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए, 3 स्टूडेंट को आए।
अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। थ्री मार्क्स कितने बच्चों के आए? अभी टू वाला सर्कल हम हटा देंगे। अब हमें किसका देखना है? थ्री का देखना है। स्टार्टिंग करेंगे थ्री एरा, उसके बाद देखो थ्री का है ये थ्री, फिर नेक्स्ट चलेंगे थ्री एरा और आगे थ्री नहीं है कहीं भी। तो थ्री मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? वन टू थ्री। थ्री बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं? थ्री। तो थ्री के सामने क्या लिख देंगे? थ्री, क्योंकि तीन नंबर तीन ही बच्चों के आए हैं और तीन के लिए क्या टैली मार्क्स यूज होगा? वन टू थ्री। इस बॉक्स में टैली मार्क्स लिखा है तो टैली मार्क्स ही बनाने हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की कितने बच्चों के? तीन नंबर आए हैं, थ्री बच्चों के, तो इधर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप फोर मार्क्स। फोर मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? तो अब हम थ्री वाला सर्कल हटा देंगे और हम किस पे सर्कल लगाएंगे? फोर पे, क्योंकि थ्री सर्कल लगाने से हमारा कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। तो फोर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये फोर है, फोर है, उससे आगे फिर ये फोर है, फिर कहाँ पर फोर आ रहा है? ये फोर है, ये भी फोर है, ये दो फोर है। इनके अलावा कहीं भी फोर मार्क्स फोर नंबर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, जितने भी फोर थे मैंने सभी को सर्कल कर लिया है। अब काउंट करेंगे कितने बच्चों के फोर मार्क्स आए हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने बच्चों के फोर मार्क्स आए हैं? कोई यहाँ पर छूटा तो नहीं है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो कितने बच्चों के फोर मार्क्स आए हैं? सेवन बच्चों के, सेवन स्टूडेंट है उसको कितने मार्क्स आए? फोर मार्क्स आए। अब सेवन के लिए कौन सा टैली मार्क्स आएगा? सेवन बनाओ, वन टू थ्री फोर, और फाइव के लिए वर्टिकल लाइन कट कर देंगे, सिक्स सेवन, तो ये सेवन का टैली मार्क्स है। अगर एट होता तो वन वर्टिकल लाइन और कर देते, नाइन होता तो फिर एक, तो ऐसे हम टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फोर नंबर भी पता चल गया कितने स्टूडेंट को आए हैं? सेवन स्टूडेंट को। देन नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, फाइव मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए हैं? तो हम ये फोर वाला इरेज कर देंगे। अब हम फाइव पे सर्कल करेंगे, बिना सर्कल किए भी काउंट कर सकते हैं। मैं सर्कल इसलिए किया है कि कोई नंबर मिस ना हो जाए और काउंटिंग करने में मिस्टेक हो जाएगी। अब फाइव पे सर्कल करना है, आगे देखेंगे कहां पर फाइव है, ये फाइव है, उसके बाद ये है, फिर ये फाइव है, इनके अलावा कोई भी फाइव दिखाई नहीं दे रहा। अब इन फाइव को काउंट करेंगे कितने है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव मार्क्स कितने स्टूडेंट को आ रहे? सिक्स स्टूडेंट को आ रहे। अब इसका टैली मार्क्स बनाओ सिक्स का, वन टू थ्री फोर फाइव के लिए कट कर देंगे और फिर सिक्स का एक वर्टिकल लाइन, तो ये किसका टैली मार्क्स है? सिक्स का टैली मार्क्स है। अब फाइव मार्क्स भी देख लिए कितने स्टूडेंट को आ रहे। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे सिक्स मार्क्स, सिक्स मार्क्स कितने स्टूडेंट को आ रहे हैं? अब हमने फाइव वाला तो काउंट कर लिया, अब कितना काउंट करना है? सिक्स वाला। अब फाइव पे जो सर्कल किया था उनको हटा दो और अब हमें किस नंबर पर सर्कल करना है? सिक्स पर। तो फाइव के सर्कल हमने इरेज कर दिए, अब हमें सिक्स नंबर पे सर्कल करना है और देखना है कितने बच्चों के सिक्स मार्क्स आए। तो वन, उसके बाद आगे किसी को सिक्स नहीं आए, टू थ्री और फोर, कितने बच्चों के सिक्स मार्क्स आए हैं? और ये भी रहा फाइव सिक्स सेवन, तो कितने बच्चों के सिक्स मार्क्स आए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन,
सिक्स कितनी बार आ रहा है? सेवन बार। इट मीन सेवन स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए? सिक्स मार्क्स आए। और सेवन का टैली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करना है? वन टू थ्री फोर फाइव के लिए कट कर देंगे, फिर वन टू फाइव सिक्स सेवन, ये किसका टैली मार्क्स हो गया? सेवन का टैली मार्क्स हो गया। अब हमने देखा कि सिक्स मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए हैं? सेवन को। और सेवन स्टूडेंट का टैली मार्क्स, जितने स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसी का टैली मार्क्स यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेवन नंबर कितने स्टूडेंट के आए हैं। अब हम सिक्स का सर्कल हटा के किस पर लगाएंगे? सेवन वाले नंबर पर, कि सेवन नंबर कितने बच्चों के आए हैं। अब सेवन पे सर्कल करेंगे, सिक्स का हमने हटा दिया, सेवन पे करेंगे तो वन, आगे ये टू थ्री फोर फाइव, तो सेवन कितनी बार आ रहा है? फाइव बार आ रहा है। सेवन नंबर कितने बच्चों को आए? फाइव बच्चों को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या लिख देंगे? फाइव लिख देंगे। और फाइव का टैली मार्क्स तो बनाना आता है कैसे? वन टू थ्री फोर, ये तो फोर का हो गया। और अगर हम फोर वर्टिकल लाइन को कट कर देंगे तो ये किसका टैली मार्क्स हो गया? फाइव का। तो ये हमने देखे कि सेवन मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के आए हैं? फाइव। और फाइव का टैली मार्क्स यूज कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है एट मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं। अब हम क्या करेंगे? सेवन को सर्कल हटा देंगे और किस पे सर्कल करना है? एट पे सर्कल करना है, क्योंकि हमें देखना है कि एट मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के आए हैं। तो एट पे सर्कल करते हुए चलना है हमें। एक तो ये हो गया, उसके बाद इस लाइन में कहीं भी एट नहीं है, फिर नेक्स्ट में चलेंगे वन एट, ये एट है, फिर नेक्स्ट लाइन में चलेंगे तो एक भी एट नहीं है। तो एट कितनी बार आ रहा है ये देखो, वन टू थ्री फोर, एट मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? फोर स्टूडेंट के। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? फोर। फोर के लिए कौन सा टैली मार्क्स यूज करते हैं? वन टू थ्री फोर। फोर स्लैंट लाइन, वर्टिकल लाइन किसके लिए यूज करेंगे? फोर के लिए। ये हमने देखा एट मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो फोर बच्चों के एट मार्क्स आए हैं, तो मैंने यहाँ पर फोर के लिए टैली मार्क्स यूज किया। अब हम चलते हैं नाइन मार्क्स, नाइन मार्क्स कितने बच्चों के आए ये देखना भी। अब एट के ऊपर से सर्कल हटा देंगे और किसके ऊपर सर्कल लगाना है? नाइन के ऊपर सर्कल लगाना है, कि नाइन मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। अब नाइन देखेंगे हम, शुरुआत देखते चलेंगे, जो नाइन आएगा उसी पे सर्कल कर देंगे। एक नाइन ये रहा और फिर एक नाइन ये आ गया, तो नाइन कितनी बार आ रहा है? वन टू थ्री। इट मीन थ्री स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं? नाइन मार्क्स आए हैं। तो कितने स्टूडेंट है? थ्री स्टूडेंट। और थ्री के लिए कौन सा टैली मार्क्स यूज करेंगे? वन टू थ्री। वन के लिए वन वर्टिकल लाइन, टू के लिए टू वर्टिकल लाइन, और थ्री के लिए थ्री वर्टिकल लाइन। तो थ्री के लिए क्या कर दिया? थ्री वर्टिकल लाइन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टैली मार्क्स आएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, इन जो ये मार्क्स दे रखे थे इनको अरेंज किया है यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स को यूज करते हुए मैंने टेबल बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था कि टैली मार्क्स को यूज करते हुए क्या बनानी है? टेबल बनानी है। इन मार्क्स को अरेंज करना है टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, देखा ये क्या दे रखा है, किस चीज का डाटा दे रखा है, ये मार्क्स दे रखा है। इधर हम बीच में टैली मार्क्स लिख लेंगे और फिर यहाँ पर कितने स्टूडेंट बता रखे, 40 स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन कौन से मार्क्स मिले हैं। 10 नंबर का टेस्ट था तो किसी को 1 मार्क्स आया है, किसी बच्चे को 2 आया है, 3 भी मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए, 5 6 7 8 9 यहाँ तक मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं।
तो मैंने 1 2 3 4 जो डाटा दे रखे मार्क्स के वो मैंने इधर लिख लिए। फिर मैंने चेक किया कि 1 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 2 को, 2 को अकॉर्डिंग मैंने टैली मार्क्स बनाया। फिर मैंने देखा 2 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 3 बच्चों को, तो 3 बच्चों के लिए मैंने टैली मार्क्स बना दिया। फिर मैंने चेक किया कि 3 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 3 बच्चों को आए, तो टैली मार्क्स बना दिया 3। 4 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 7 का, तो 7 का टैली मार्क्स बना दिया मैंने यहाँ पर। 4 वर्टिकल लाइन कट किया तो 5 हो गए, और फिर 2 लाइन तो 1 2 7 हो गए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने चेक किया कि 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट को ऑब्टेन हुए हैं, तो 6 स्टूडेंट को 5 मार्क्स मिले हैं। 6 के लिए टैली मार्क्स यूज किया। फिर 7 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 5 बच्चे को मिले हैं, तो मैंने 5 बना दिया। फिर 8 मार्क्स देखा 4 बच्चों के मिले हैं, और 9 मार्क्स 3 स्टूडेंट को मिले हैं, तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट किया और टैली मार्क्स का यूज करते हुए मैंने इन मार्क्स को अरेंज किया है टैली मार्क्स की हेल्प से। ये तो मैंने यहाँ तक का क्वेश्चन पूरा कर दिया कि टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट के, इनको अरेंज किया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन भी कुटक कर रखा है। मैंने बताया था ना, इस पे जो डाटा को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन में कुटक किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और कुटक कर रखे हैं। ए पार्ट में क्या है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट, हमें फाउंड करना है कि कितने स्टूडेंट है ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, मतलब कि कितने स्टूडेंट है जिसको 7 मार्क्स मिले हैं या 7 से ज्यादा मिले हैं। अब 7 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, तो हमें कौन से स्टूडेंट लेने हैं, वो स्टूडेंट काउंट करने हैं जिसको 7 मार्क्स मिले हैं, और 7 से ज्यादा क्या कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 8 भी 9 भी, तो हमने स्टूडेंट काउंट करने हैं जिसको 7 मार्क्स मिले हैं, 8 मार्क्स मिले हैं और 9 मार्क्स मिले हैं, मतलब कि 7 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 5 स्टूडेंट को, 8 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 4 स्टूडेंट को, और 9 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 3 स्टूडेंट को। तो इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे जिसको 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो कितना हो गया, 5 4 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 12 स्टूडेंट वो है जिसको 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स मिले। नेक्स्ट बी पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, कितने स्टूडेंट है ऐसे, ब्लो मतलब कम, जिसको 4 से भी कम मार्क्स मिले हैं वो स्टूडेंट निकालने। अब 4 से कम निकालने हैं तो 4 को तो काउंट नहीं करेंगे, मतलब बिलो 4 मतलब 4 से कम मिले हैं, तो 4 से कम कितने हो सकते हैं, या तो 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 4 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बिलो 4, 4 से नीचे, तो 3 2 1, अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 4 से कम मार्क्स मिले हैं। तो कितने स्टूडेंट हैं, 2 प्लस 3 प्लस 3, ये स्टूडेंट हो गए जिसको 4 से कम मार्क्स मिले हैं। 2 प्लस 3 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, तो बी ऑप्शन, बी का आंसर क्या हो जाएगा, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको बिलो 4 मार्क्स मिला है। तो पहला पार्ट तो था जिस बच्चे को 7 और 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो 7 8 9 तीनों को ऐड किया तो 12 स्टूडेंट आ गए। बी था कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको बिलो 4 मार्क्स मिले हैं, तो 4 से कम 3 2 1 तीनों को ऐड किया तो 8 स्टूडेंट ऐसे आ गए जिसको 4 से कम मार्क्स मिले। तो ये जो डाटा को अरेंज किया, डाटा को ऑर्गेनाइज किया है,
इस टेबल में से देखते हुए हमें इनके आंसर पुट अप करने हैं। अगर यहाँ पर ये नहीं होता अरेंज करो नहीं दिया होता और सीधा ये आंसर दिया पूछे होते क्वेश्चन की, तब भी हमें ये टेबल बनानी पड़ती, क्योंकि टेबल की मदद से ही बता सकते हैं हम कितने बच्चों को 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, 4 से कम मार्क्स मिले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। क्लास 6 में 30 स्टूडेंट है जिसकी चॉइस बता रखी है कि स्वीट में किसको क्या पसंद है। पहला स्टूडेंट है लड्डू पसंद है, फिर बर्फी, लड्डू, जलेबी, ऐसे इसके अकॉर्डिंग 30 स्टूडेंट की अलग अलग चॉइस बता रखी है कि स्वीट में क्या क्या चॉइस है। इसमें क्या दे रखा है, फिर ए में अरेंज द नेम ऑफ स्वीट, स्वीट को हमें अरेंज करना है इन टेबल, टेबल में यूजिंग टैली मार्क्स। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टेबल में टैली मार्क्स का यूज करते हुए डाटा को ऑर्गेनाइज किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज करना है। तो किसको हमें अरेंज करना है, स्वीट को अरेंज करना है। तो हमारा बॉक्स क्या हो जाएगा, किसको हमारे किस में से चॉइस बतानी है, स्वीट में से। तो यहाँ तो हम स्वीट का नेम लिखेंगे, फिर बीच में हम टैली मार्क्स लगा देंगे कि टैली मार्क्स का यूज करते हुए टेबल बनानी है, और देन हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऊपर स्टूडेंट दे रखे है ना, किसको अरेंज करना है यहाँ पर, स्वीट को। तो स्वीट मैंने सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, टैली मार्क्स का यूज करना है, तो टैली मार्क्स का कॉलम बना लिया, और फिर स्टूडेंट दे रखे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बना लिए मैंने। ये टेबल सबसे पहले बनानी है, ये समझ में आनी जरूरी है। फिर स्वीट कौन कौन सी दे रखी है, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, लड्डू दे रखा है कि किस किस बच्चे को लड्डू पसंद है, देन बर्फी दे रखी है, फिर लड्डू, लड्डू तो पहले आ चुका, जलेबी, लड्डू भी हो गए, फिर रसगुल्ला, और कोई स्वीट यहां पर रिपीट हो रही है, नहीं, बार बार चार स्वीट में ही सारे बच्चे अपनी चॉइस बता रहे हैं, इसके अलावा किसी भी स्वीट का नाम यहाँ पर नहीं दे रखा। तो मैंने जितने भी स्वीट के नाम दे रखे थे यहाँ पर लिख लिए, तो चार ही स्वीट के नाम है जो बच्चों की चॉइस है, मैंने चार को इधर लिख लिया। सबसे पहले क्या लिखा है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना है, क्या लिखा है, लड्डू। अब हम देखेंगे कितनी बार काउंट करेंगे यहाँ पर, कितनी बार लड्डू आ रहा है, जहां पर आ रहा है वहीं पर सर्कल कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो कितनी बार आया है, 11 बार। तो 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको स्वीट में क्या पसंद है, लड्डू पसंद है। तो मैंने लड्डू के सामने क्या लिख दिया, 11, क्योंकि कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। अब 11 का टैली मार्क्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले हम शुरुआत करेंगे 1, 2, 3, 4, ये 4 के लिए हो गया, कट कर दिया तो किसके लिए हो गया, 5 हो गया, फिर 6, 7, 8, 9 10 हो गया, कितना और बच गया, 1 बच गया, 1 के लिए 1 वर्टिकल लाइन। तो ये किसका टैली मार्क्स है, 11 का। नेक्स्ट स्वीट में आते बर्फी, अब हम देखेंगे कि बर्फी किस किस बच्चे को पसंद है। अब यहाँ पर टिक कर दिया था, अब हम क्रॉस लगाते चलेंगे कि कौन सा काउंट हो गया, तो जहां बर्फी है उसके ऊपर क्रॉस लगा दो, 1, 2, 3 स्टूडेंट ऐसे है जिसको क्या पसंद है, बर्फी पसंद है,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के सामने भर्ती वाले कॉलम में क्या लिख देंगे, थ्री, कि थ्री स्टूडेंट ऐसे है जिसको भर्ती पसंद है। अब टैली मार्क्स के लिए तीन वर्टिकल लाइन थ्री के लिए। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं जलेबी पे। अब जलेबी कितने बच्चों को पसंद है, देखो इस पे मैंने टिक किया, ये मैंने सिर्फ याद रखने के लिए कि ये काउंट हो चुका है, वरना हम वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जलेबी कितने बार आया, वन टू, नेक्स्ट चलेंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितनी बार आया है, सेवन बार। तो डायरेक्ट काउंट कर लिया मैंने, सर्कल भी नहीं लगाया, बस ये इसलिए लगाया था कि कोई मिस हो जाए तो हमें ध्यान आ जाए कि ये मैंने काउंट नहीं किया है। तो सेवन बार, सेवन के लिए टैली मार्क्स वन टू थ्री फोर, ये फाइव हो गया, सिक्स सेवन, तो ये सेवन का टैली मार्क्स लगा दिया मैंने। नेक्स्ट स्वीट पे आएंगे रसगुल्ला। अब रसगुल्ले को काउंट करेंगे कितने बच्चों का फेवरेट है, तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितने स्टूडेंट का फेवरेट है, नाइन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या लिखेंगे, नाइन, और नाइन का टैली मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे वन टू थ्री फोर, ये फाइव हो गया, सिक्स सेवन एट नाइन, तो ये नाइन का टैली मार्क्स बढ़ा दिया। तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने स्वीट को अरेंज किया टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो चार स्वीट थे, इनके सामने मैंने लिख दिया कि कितने बच्चों की फेवरेट है, तो और इसके अकॉर्डिंग मैंने टैली मार्क्स बनाए। अब इसका बी पार्ट क्या दे रखा है, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि ज्यादा स्टूडेंट के द्वारा कौन सी स्वीट प्रेफर्ड की गई, कौन सी स्वीट ज्यादा स्टूडेंट को पसंद है। तो इनमें से सबसे ज्यादा नंबर किसके है, लड्डू के, तो सबसे ज्यादा किसको पसंद किया गया, लड्डू को। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 है जिसको क्या पसंद है, लड्डू। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सी स्वीट ऐसी है जो ज्यादा बच्चों के द्वारा पसंद की गई, चूज की गई, तो वो क्या हो गया हमारा आंसर, बी का लड्डू। तो ये हमने पहले तो इसको एक टेबल में अरेंज किया, डाटा को रिप्रेजेंट या ऑर्गेनाइज किया और टैली मार्क्स का यूज करते हुए। देन हमने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दिया कि कौन सी स्वीट ऐसी है जो मोस्ट स्टूडेंट के द्वारा प्रेफर्ड की गई है, ज्यादा स्टूडेंट ने चूज की थी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैटरीन थ्रू ए डाइस 40 टाइम, कैटरीन कोई बच्चा है वो एक डाई को थ्रू करता है 40 टाइम, एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो, वो नोट करता है कि पहली बार डाई को थ्रो करता है तो वन नंबर आता है, सेकेंड टाइम डाई को थ्रो करता है तो थ्री नंबर आता है, थर्ड टाइम डाई को थ्रो करता है तो फाइव नंबर आता है, एंड सो ऑन, वो 40 टाइम डाई को थ्रो करता है तो क्या नंबर ऑब्टेन हुआ, वो इधर लिख रखा है। अब हमें क्या करना है, डाई में कितने मार्क्स नंबर होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक नंबर होते हैं उस पे, फोर साइड में और फाइव और सिक्स टॉप एंड बॉटम पे, डाई तो देखी हुई है सभी को, तो डाई में सिक्स मार्क्स हो गए, सिक्स नंबर आएंगे। फिर क्या देखा, मेक ए टेबल, एक टेबल बनानी है, एंड एंटर द डाटा, और डाटा को एंटर करना है यूजिंग टैली मार्क्स, टैली मार्क्स को यूज करते हुए हमें क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। तो हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, इधर क्या आएगा, इधर हमें क्या ऑर्गेनाइज करना है, किसका टेबल बनानी है हमें ये बताओ। तो यहाँ पर हमें नंबर की, कौन सा नंबर आ रहा है, ये क्या दे रखे हैं, ये नंबर दे रखे हैं, तो इधर हम क्या लिख देंगे, नंबर, बीच में क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स, देन क्या लिखेंगे, टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स,
मतलब कितनी बार आया है कि डाई पे वन नंबर कितनी बार आया है, टू नंबर कितनी बार आया है, तो हाउ मेनी टाइम्स, कौन कौन से नंबर है बताओ इसमें, इसमें कितने नंबर दे रखे हैं, वन टू सिक्स दे रखी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस सिक्स नंबर के अलावा यहाँ पर कोई नंबर दिख रहा है नहीं, तो हमने नंबर में यहाँ पर डाटा उठा के एक साथ लिख लिए कि वन आ रहा है या किसी बार टू आ रहा है या डाई को थ्रो कर रहे हैं तो थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, फाइव आ रहा है, सिक्स आ रहा है, इस नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहे, तो हमने नंबर वाले कॉलम में लिख लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इस डाटा में चेक करेंगे कि वन कितनी बार आ रहा है, काउंट करो स्टार्टिंग से, वन पे हम क्या कर लेंगे सर्कल, वन फिर ये वन, जितनी बार भी वन आ रहा है सर्कल लगा लो, वन कितनी बार आया अब काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन कितनी बार आया है सेवन बार आया है, तो वन के सामने हमने क्या लिख दिया सेवन। अब सेवन का टैली मार्क्स बनाना है, वन टू थ्री फोर ये फाइव सिक्स सेवन, ये क्या बन गया है सेवन का टैली मार्क्स बना दिया। अब वन नंबर तो काउंट कर लिया कितनी बार आया है डाई पे, अब सेकंड टू नंबर, टू नंबर कितनी बार आया है, तो हम काउंट करेंगे टू कितनी बार आ रहा है, तो अलग से नोटेशन दे दो, सर्कल तो इधर लगा दिया था, टू पे टिक कर दो, फिर टू कहाँ आ रहा है, ये रहा टू, उसके बाद आगे ये टू रहा, तो अब काउंट करो कितनी बार आया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू कितनी बार आ रहा है सिक्स बार आ रहा है, तो मैंने टू के सामने कितनी बार लिख दिया सिक्स बार आ रहा है। अब सिक्स का वो बनाएंगे टैली मार्क्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये किसका टैली मार्क्स हो गया, सिक्स का टैली मार्क्स हो गया, तो डाई थ्रो कर रहे हैं तो टू कितनी बार आ रहा है सिक्स बार आ रहा है। टेन चलेंगे नेक्स्ट नंबर थ्री, थ्री नंबर कितनी बार आ रहा है, वन टू थ्री, आगे चलते जाएंगे फोर फाइव, कितनी बार आ रहा है थ्री नंबर, फाइव बार आ रहा है, तो मैंने थ्री के सामने क्या लिख दिया फाइव, और फाइव के लिए टैली मार्क्स लगाएंगे वन टू थ्री फोर, और फाइव के लिए कट कर देते हैं, तो फाइव के लिए ये टैली मार्क्स होता है, तो थ्री कितनी बार आया फाइव बार आया, और मैंने फाइव का टैली मार्क्स यूज कर दिया। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं फोर, अब हम काउंट करेंगे कि फोर कितनी बार आ रहा है, स्टार्टिंग से देखेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर कितनी बार आ रहा है फोर बार आ रहा है, तो मैंने फोर के सामने क्या लिख दिया फोर, और फोर का टैली मार्क्स लगाएंगे तो वन टू थ्री फोर, ये फोर का क्या हो गया टैली मार्क्स हो गया। अब हम नेक्स्ट नंबर भी चलते हैं फाइव, फाइव कितनी बार आ रहा है देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, फाइव कितनी बार आ रहा है इलेवन बार आ रहा है, इलेवन का टैली मार्क्स यूज करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन, ये इलेवन का टैली मार्क्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर सिक्स, सिक्स कितनी बार आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सिक्स कितनी बार आ रहा है सेवन बार आ रहा है,
और सेवन का टैली मार्क्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का मैंने टैली मार्क्स बना दिया। तो ये मैंने क्या कर दिया, टेबल बना दी और डाटा को एंटर किया यूजिंग टैली मार्क्स कि कोई डाई थ्रो की गई है, 40 बार किसी बच्चे ने एक डाई को थ्रो किया है तो कौन कौन से नंबर अपीयर हो रखे हैं वो दे रखा है। तो इधर मैंने नंबर लिखा, इधर टैली मार्क्स का यूज किया, इधर नंबर कितनी बार आया है तो 1 नंबर कितने टाइम आया है, 7 टाइम, तो 7 टैली मार्क्स बना दिया। 2 नंबर कितनी बार आया है, 6 टाइम, तो 6 टैली मार्क्स बना दिया। 3 नंबर कितनी बार आया है, 5 टाइम, तो 5 का टैली मार्क्स बनाया। 4 नंबर 4 टाइम आया है तो मैंने 4 का टैली मार्क्स बनाया है। 5 नंबर 11 टाइम आया है तो 11 का टैली मार्क्स बनाया है। और 6 नंबर 7 टाइम आया है तो 7 का टैली मार्क्स बनाया। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया कि टेबल बना दी और मैंने टैली मार्क्स का यूज करते हुए डाटा को एंटर कर दिया। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर दैट अपीयर, हमें वो नंबर निकालिए जो अपीयर हो रहे हैं। पहला पार्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम बार कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। देखो सबसे कम बार कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा कौन सा है, 4, और 4 किसका है, 4 का, तो मतलब 4 एक ऐसा नंबर हो गया जो सबसे कम बार दिखाई दे रहा है। तो मिनिमम टाइम कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 4, क्योंकि 4 सिर्फ 4 बार ही आ रहा है और कोई 7 बार आ रहा है, कोई 6, कोई 5 टाइम आ रहा है, कोई 11 टाइम आ रहा है, कोई 7 टाइम, हमें वो नंबर निकालना है जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आ रहा है, 4 के सामने कौन है, 4। नेक्स्ट बी पार्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 11 बार कौन सा नंबर आ रहा है, 5, इट मीन सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दोज नंबर, हमें वो नंबर निकालना है दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, जो बराबर नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, मतलब कि जो हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो दो नंबर बताने हैं जो बराबर नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं। तो 1 भी 7 टाइम आ रहा है और 6 भी 7 टाइम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 6, दो नंबर ऐसे हो गए जो 7 टाइम आ रहे हैं, दोनों बराबर टाइम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें वो नंबर बताना है जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। तो 7 बार 1 भी 7 टाइम आ रहा है और 6 भी 7 टाइम आ रहा है, तो नंबर कौन से हो गए, 1 and 6 हो गए। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया, टेबल बनाई, क्वेश्चन में देखा कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 नंबर कितनी बार आ रहा है, 3 नंबर कितनी बार आ रहा है, डाई को थ्रो कर रहे हैं, ऐसे 4 5 6 का चेक किया और टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट किया। देन मैंने क्वेश्चन को रीड किया कि क्वेश्चन में इस टेबल पे बेस कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ए पार्ट में दे रखा था मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे कम बार आ रहा है, तो 4 के सामने 4, क्योंकि 4 सबसे कम बार आ रहा है, 4 बार ही आ रहा है और सारे इससे ज्यादा बार आ रहे हैं। नेक्स्ट में बी पार्ट पे चली तो मैंने देखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 11 बार कौन सा नंबर आ रहा है, 5, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। और सी पार्ट पे देखा तो क्या था, मिनिमम फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं दैट अपीयर इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, जो बराबर नंबर ऑफ टाइम आए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर है 7 टाइम आ रहे हैं, 1 and 6 ऐसे 2 नंबर है जो 7 टाइम आ रहे हैं, मींस इक्वल टाइम्स आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 and 6 आ गए। यहाँ तक हमारे 9.1 एक्सरसाइज के 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। आज हम स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेज, 5 विलेज दे रखे हैं और उसमें पिक्टोग्राफ बना रखा है नंबर ऑफ ट्रैक्टर का। अब एक ट्रैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है,
अगर ये बना रखा है, इट मीन्स क्या है, एक ट्रैक्टर है। विलेज दे रखे हैं, पांच विलेज दे रखे हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दे रखे हैं। अब इस एक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, एक ट्रैक्टर है। अब ये पिक्टोग्राफ बना रखा है हमने, इस पर बेस कुछ क्वेश्चनों के हमें आंसर देने हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ को हमें देखना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, कौन सा विलेज है जिसको मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर मिले। तो देखते हैं पिक्टोग्राफ में, अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर किस विलेज में दिख रहे हैं तुम्हें, सबसे कम किस में दिख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, विलेज बी में 1 2 3 4 5 है, विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, विलेज डी में 1 2 3 है, और विलेज ई में 1 2 3 4 5 6 है। सबसे कम किस विलेज में है, विलेज डी में, क्योंकि विलेज डी में कितने ट्रैक्टर है, 1 2 3। तो ए ऑप्शन था कि किस में सबसे कम ट्रैक्टर है, तो विलेज डी हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन का आंसर हो जाएगा कि विलेज डी में सिर्फ 3 ही ट्रैक्टर है जो सबसे कम है। सेकंड पार्ट में विच विलेज है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, किस विलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर है, सबसे ज्यादा किस में दिख रहे हैं, तुम पिक्टोग्राफ की हेल्प से देखो, विलेज सी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रैक्टर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। वैसे भी इसको देख के लग रहा है कि विलेज सी में किस सबसे ज्यादा ट्रैक्टर है, तो बी का क्या हो जाएगा, विलेज सी हो जाएगा। सी क्या है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज ए कंपेयर टू विलेज बी, कि विलेज सी में कितने ट्रैक्टर ज्यादा है विलेज बी के कंपैरिजन में। तो विलेज सी में कितने ट्रैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, विलेज सी में तो 8 ट्रैक्टर है, और विलेज बी में 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विलेज सी में विलेज बी के कंपैरिजन में कितने ज्यादा ट्रैक्टर है, तो इसमें तो 8 है और इसमें 5 है, तो कितने ज्यादा हो गए, 3 ज्यादा हो गए विलेज सी में विलेज बी के कंपैरिजन में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 ट्रैक्टर ज्यादा है। फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेज, जो 5 विलेज दे रखे हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर निकालना है, तो निकालो टोटल। ए में कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, बी में 5 ट्रैक्टर है, सी में 8 है, और डी में 1 2 3 ट्रैक्टर है, ई में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर है। अब हमें क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर निकालने हैं। तो टोटल करने के लिए सभी को जोड़ दो, ए में कितने हैं 6, बी में कितने हैं 5, सी में कितने 8, डी में कितने 3, और ई में कितने 6। टोटल करो, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 8 19 में 3 22, और 22 में 6 कितने हो गए, 28। मतलब 5 विलेज में टोटल कितने ट्रैक्टर दे रखे हैं, 28 दे रखे हैं। तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल पिक्टोग्राफ को देखते हुए क्वेश्चनों के आंसर पुट अप करने हैं। फर्स्ट में पूछा था कौन से विलेज में सबसे कम ट्रैक्टर है, तो विलेज डी हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 ही ट्रैक्टर है। सेकंड में पूछा था किस में सबसे ज़्यादा है, तो विलेज 6 में, क्योंकि 8 ट्रैक्टर है सबसे ज़्यादा। सी में पूछा था कि विलेज सी में विलेज बी के कंपेरिजन में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर है, तो 3 ट्रैक्टर ज़्यादा है, और विलेज टोटल 5 विलेज में कितने ट्रैक्टर हैं, तो मैंने 5 को ऐड कर दिया, तो 28 हमारा आंसर आ गया।
ये हमारा सिक्स क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, बिल्कुल डायग्राम को देखते हुए सोल्व करना है। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपेक्टेड बाय द पिक्टोग्राम। कितने नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट है, कोई क्लास है को एजुकेशन मिडिल स्कूल की, उसमें बता रहा है कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो एक बार क्लास वन है, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव, क्लास सिक्स, क्लास सेवन और क्लास एट। और जो ये एक डायग्राम बना रखा है, इसका मतलब कितनी गर्ल है, फोर गर्ल है। तो क्लास ए में कितनी गर्ल है, देखो एक का मतलब फोर है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर से, क्योंकि एक का मतलब क्या है, फोर। सिक्स फोर जा क्या हो गया, 24। क्लास बी में कितना है, वन टू थ्री फोर, तो फोर की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से, क्योंकि एक का मतलब फोर है, तो फोर फोर जा क्या हो गया, 16। और ये हाफ है, अब पूरे का मतलब फोर है, तो हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, टू गर्ल हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है, इसका कोई नोटेशन दिया हुआ नहीं मिलेगा, ये हाफ दे रखा है, तो इसका मतलब टू गर्ल हो गए। अब 16 प्लस टू कितनी गर्ल हो गई, 18 गर्ल हो गई। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में, कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से, क्योंकि एक का मतलब क्या है, फोर, जितना यहाँ पर लिखा होगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो फाइव फोर जा क्या होता है, 20। तो क्लास थर्ड में कितनी गर्ल्स स्टूडेंट है, 20। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ में, वन टू थ्री, थ्री और कितनी है टोटल पूरी फोर, क्योंकि एक का मतलब क्या है, फोर, एट और ट्वेल्व प्लस में, हाफ का मतलब कितना है, टू। थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस टू कितना हो गया, 14। थर्ड फोर्थ क्लास में कितनी गर्ल्स स्टूडेंट है, 14। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ क्लास, टू तो कंप्लीट है, मतलब टू की फोर से मल्टीप्लाई कितनी हो गई, एट, और एक हाफ है, तो हाफ का मतलब टू को हाफ से डिवाइड करेंगे टू से, तो पूरे का मतलब फोर है, तो आधी का मतलब क्या हो गया, टू, तो टोटल कितने हो गए फिफ्थ क्लास में, 10। सिक्स्थ क्लास में चलते हैं, वन टू थ्री फोर, और फोर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सारे कंप्लीट है, तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर फोर जा कितना हो गया, 16 हो गया। तो सिक्स क्लास में कितने गर्ल्स स्टूडेंट है, 16। अब हम सेवन्थ क्लास में चलते हैं, वन टू थ्री, थ्री पूरी लड़की का मतलब क्या है, थ्री को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री फोर जा ट्वेल्व, इसका मतलब क्या है, इसका एक का मतलब फोर गर्ल है, इसका भी फोर है और इसका भी फोर है, तो फोर एट ट्वेल्व, टोटल कितनी गर्ल्स हो गई, 12 गर्ल्स हो गई। अब हम चलते हैं क्लास एट्थ में, पूरी इसका मतलब फोर और इसका मतलब क्या हो गया, टू, तो फोर प्लस टू कितना हो गया, सिक्स हो गया। तो क्लास ए में कितनी गर्ल्स है, 24, क्लास बी में 18, क्लास सी में 20, क्लास फोर में 14, क्लास फाइव में 10, क्लास सिक्स में 16, क्लास सेवन्थ में 12 और क्लास एट्थ में 6 नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट हो गई। अब क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर पुटअप करने हैं। क्या दे रखा है, ए में विच क्लास है द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट,
कौन सी क्लास है जिसको सबसे गर्ल्स स्टूडेंट सबसे कम है? तो देखो सबसे कम कौन सी क्लास में है, क्लास एट्थ में। तो सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट किस में है, क्लास एट्थ में। ए पार्ट क्लियर। अब बी पार्ट में देखते हैं। इज द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास सिक्स लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास फिफ्थ, मीन्स कि क्लास सिक्स में जो लड़कियों की संख्या है क्या वो क्लास फाइव से कम है? अब क्लास सिक्स में क्या है 16 और क्लास फाइव में क्या है 10, और क्वेश्चन में पूछा है क्या क्लास सिक्स में लड़कियों की संख्या क्लास फाइव में लड़कियों की संख्या से कम है? क्या ये कम है? नहीं, क्योंकि इसमें तो 16 है, क्लास सिक्स में तो ज़्यादा है क्लास फाइव के कंपैरिजन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट। हाउ मैनी गर्ल आर देयर इन क्लास सेवन, क्लास सेवन में कितनी लड़की है? तो बताओ क्लास सेवन में कितनी लड़की है, 12 लड़की है। सबसे पहले मैंने क्या किया, फिफ्थ क्वेश्चन में पिक्टोग्राफ दे रखा था और ये एक गर्ल बना रखी है, इसका मतलब क्या है, चार लड़कियां है। एक नोटेशन का मतलब क्या है कि चार लड़कियां है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 1 to 8 क्लास तक प्रत्येक क्लास में कितने कितने लड़के हैं, तो मैंने काउंट किया। एक का मतलब क्या है, 4, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे मैंने क्लास सेकंड में देखा 18 गर्ल्स है, क्लास थर्ड में देखा 20 गर्ल्स बन गई, क्लास फोर्थ में देखा 14 गर्ल्स, क्लास फिफ्थ में 10 गर्ल्स, क्लास सिक्स में 16 और सेवन्थ में 12 और एट्थ में 6। ये मैंने लिख लिया पिक्टोग्राम को देखते हुए। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। फर्स्ट ऑप्शन था कि कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ लड़कियां हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे मिनिमम है, तो क्लास एट्थ, क्योंकि क्लास एट्थ में केवल 6 ही लड़कियां हैं। नेक्स्ट बी पार्ट की पूछा था कि द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास सिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ, कि सिक्स क्लास में लड़कियों की संख्या फिफ्थ क्लास के लड़कियों की संख्या से कम है। नहीं, क्योंकि सिक्स क्लास में 16 लड़के हैं और फिफ्थ क्लास में 10 लड़के हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, नो आ गया। हाउ मैनी गर्ल आर देयर इन क्लास सेवन्थ, सेवन्थ क्लास में कितनी लड़की है, 12। यह हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। बल्ब सेल हुए, तो एक अगर ये बना रखा है इसका मतलब 2 बल्ब सेल हुए, तो मंडे को कितने बल्ब सेल हुए बताओ, 1 2 3 4 5 6, और एक का मतलब क्या है, 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2, इनकी काउंटिंग करेंगे और फिर जो यहाँ पर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा क्या हो गया, 12 हो गया। अब मंडे को कितने बल्ब सेल हुए हैं, 12। नेक्स्ट ट्रैप पे चलते हैं, ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने बल्ब सेल हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, और एक का मतलब क्या है, 2, तो 8 2 जा क्या हो गया, 16। ट्यूसडे को कितने बल्ब सेल हुए, 16। अब नेक्स्ट पे आ गए वेडनेसडे, अब निकालेंगे कि वेडनेसडे को कितने बल्ब सेल हुए, 1 2 3 4 4, और एक की वैल्यू कितनी है, 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया। तो वेडनेसडे को कितने बल्ब सेल हुए, 8। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्सडे पे, थर्सडे में निकालेंगे कितने बल्ब सेल हुए, 1 2 3 4 5, और एक की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, तो 5 2 जा क्या हो गया, 10, तो थर्सडे को 10 बल्ब सेल हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्राइडे, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 7, और एक की वैल्यू क्या है, 2, तो 7 2 जा क्या हो गया,
14। तो फ्राइडे को कितने बल्ब सेल हुए? 14। नेक्स्ट चलते हैं सैटरडे। सैटरडे पे कितना दे रखा है? 1, 2, 3, 4। और एक की वैल्यू कितनी है? 2। तो 4 2 जा क्या हो गया? 8। इट मीन सैटरडे को कितने बल्ब सेल हुए? 8 बल्ब सेल हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं संडे। संडे को कितने बल्ब सेल हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और एक की वैल्यू क्या है? 2। तो कितना हो गया? 9 2 जा 18। तो संडे को कितने बल्ब सेल हुए? 18। तो मैंने पिक्टोग्राफ की हेल्प से बताए कि मंडे टू संडे कितने बल्ब सेल हुए। मंडे को 12, ट्यूसडे को 16, वेडनेसडे को 8, थर्सडे को 10, फ्राइडे को 14, सैटरडे को 8 और संडे को 18। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो नीचे पिक्टोग्राफ पे बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर देना है। ए पार्ट में क्या है? हाउ मैनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं? तो फ्राइडे को कितने हुए हैं? 14। ए पार्ट में क्या था कि फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए? तो फ्राइडे को कितने बल्ब की बिक्री हुई? 14। तो ए का आंसर क्या हो गया? 14। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट। ऑन विच डे, कौन से दिन वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। किस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए, मतलब कि किस दिन सबसे ज़्यादा बल्ब की बिक्री हुई। मंडे को कितने बल्ब बिक्री हुए? 12। ट्यूसडे को 16, वेडनेसडे को 8, थर्सडे को 10, फ्राइडे को 14, सैटरडे को 8, संडे को 18। तो सबसे ज़्यादा कौन है? 18। 18 बल्ब किस दिन सोल्ड हुए? संडे को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? संडे। बी पार्ट का क्या आंसर हो गया? संडे। संडे को मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए, मतलब कि सबसे ज़्यादा नंबर बल्ब की बिक्री का हुई? संडे को हुई। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दे रखा है? सी पार्ट इज ऑन विच ऑफ द डे, कौन से दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, कि सेम नंबर ऑफ बल्ब बिक्री हुए हैं। तो 7 दिन में से कोई 2 दिन बताने हैं जिस दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं हमारे। तो कौन से डे है? देखो, वेडनेसडे को भी 8 बल्ब सोल्ड हुए हैं और सैटरडे को भी 8 बल्ब सोल्ड हुए हैं। तो हमें वो 2 दिन बताने हैं जिस दिन सेम बल्ब सोल्ड हुए हैं। तो वेडनेसडे को भी कितने बल्ब की बिक्री हुई है? 8 बल्ब की। और सैटरडे को भी कितने बल्ब की बिक्री हुई है? 8 बल्ब की ही बिक्री हुई है। तो ये वो 2 दिन थे जिस दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब की बिक्री हुई है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सैटरडे और वेडनेसडे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, डी पार्ट। ए बी सी तीनों क्लियर हो गए हैं। अब हम करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दिया गया है? ऑन विच ऑफ द डे, कौन से दिन मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, सबसे कम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए। तो सबसे कम नंबर ऑफ बल्ब किस दिन बिके बताओ। मंडे को 12 बल्ब सोल्ड हुए थे, ट्यूसडे को 16 बल्ब सोल्ड हुए थे, वेडनेसडे को 8, थर्सडे को 10 और फ्राइडे को 14, सैटरडे को 8 और संडे को 18। तो सबसे छोटा क्या है? 8। और 8 कौन कौन से दिन बिक्री हुआ है? वेडनेसडे एंड सैटरडे।
2 दिन सबसे कम नंबर ऑफ बल्ब की बिक्री हुई है। तो ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, ई पार्ट पर। ई पार्ट में क्या दिया गया है, इफ वन बिग कर्टेन कैन होल्ड 9 बल्ब। एक बड़ा बिग कर्टेन सा है, कर्टन है, जैसे बड़े कुछ सब्जी वगैरह रखने के लिए बड़ी टोकरी होती है, ऐसे उसमें 9 बल्ब रखे हुए हैं। हाउ मैनी कर्टेन वर नीडिड इन द गिवन वीक। एक बड़े कर्टेन में कितने बल्ब आ रहे हैं, 9 बल्ब आ रहे हैं। तो ये जिस ये तो 7 दिन में, 1 वीक में कितने बल्ब यूज हुए हैं, उसके लिए कितने कर्टेन चाहिए, हमें कर्टेन चाहिए ये निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब निकालेंगे पहले, तो कितने नंबर ऑफ बल्ब की बिक्री हुई, तो पहले तो टोटल बल्ब निकाल लेंगे। टोटल बल्ब कि पूरे वीक में कितने बल्ब सेल हुए हैं ये निकालना हमें। तो पहले 12 मंडे को, 16 ट्यूसडे को, 8 वेडनेसडे को, 10 थर्सडे को, 8 सैटरडे, 14 फ्राइडे और संडे को 18। इन सभी का हम टोटल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास कितने नंबर ऑफ बल्ब है। तो ऐड करेंगे, वन डिजिट ऐड कर लो, 2 में 6 8 8 16 और 8 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 8 जोड़ेंगे 36, 6 और 3 कैरी। अब 10th डिजिट जोड़ लो, 2 1 3 1 4 5 6 7 8। अब 10th डिजिट जहाँ जहाँ भी है हमने 10th डिजिट जोड़ दिए, तो टोटल बल्ब कितने हो गए, 86। और एक बिग कैरेट में कितने बल्ब आ रहे हैं, कर्टन में 9 बल्ब आ रहे हैं। तो ऐसे कितने बग कर्टेन, बड़े कर्टेन चाहिए हमें, देखो। तो 9 9 81, तो 9 9 81 हो गए, तो 9 तो पूरे पूरे हो गए, फिर 5 बल्ब और बच गए। तो ऐसे हमें 10 कर्टेन की ज़रूरत है, उसमें हमारे 86 बल्ब आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, 86 पूरे वीक में, एक बड़े वो जो बक्सा रखा है, बॉक्स है, उसमें 9 बल्ब आ रहे हैं। तो ऐसे कितने बक्से चाहिए हमें, 10 कार्टन चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन ए पर्टिकुलर सीजन। कोई विलेज है उसमें 6 मर्चेंट, फ्रूट मर्चेंट है, फल बेचने वाले व्यापारी, 6 व्यापारी है जो फ्रूट बास्केट बेचते हैं गांव में। तो बता रहे एक पर्टिकुलर सीजन में उसने कितने कितने फ्रूट की बास्केट बेच दी, मतलब कि फ्रूट की जो पूरी टोकरी आती है वो कितनी बेची। तो हमारे पास कितने व्यापारी है, 6 व्यापारी है। पहले का नाम क्या है, रहीम, दूसरे का लखनपाल, तीसरे का अनवर, चौथा व्यापारी है मार्टिन, पांचवा है रंजीत सिंह और छठा है जोसेफ। ये 6 व्यापारी है, इन्होंने फ्रूट की बास्केट बेची है एक पर्टिकुलर सीजन में। तो अगर ये एक बॉक्स बना रखा है, इसका मतलब उसने 100 फ्रूट बास्केट बेच दी है। तो रहीम का हम देखते हैं कि रहीम ने कितनी फ्रूट बास्केट बेची है। तो देखो कि मैंने बताया पहले इनको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 4, और एक का मतलब कितना है कि 100। तो ये जो यहाँ पर जो लिखा होता है वो काउंट करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया, 400 फ्रूट बास्केट। रहीम ने पर्टिकुलर सीजन में 400 फ्रूट बास्केट को बेचा है। अब क्या है, लखनपाल पे आ गए हम, लखनपाल ने कितनी बेची है। तो ये पूरा 100 है, 200 300 400 500 तक तो पूरा हो गया,
और ये कितनी है आधी टोकरी, तो आधी का मतलब क्या हो जाएगा 50 की किसका आधा कर देंगे, तो 100, 200, 300, 400, 500 और ये 50 है, तो 500 में 50 ऐड करेंगे तो 550। तो लखनपाल ने 550 फ्रूट बास्केट बेची है एक पर्टिकुलर सीजन में। नेक्स्ट हम आते हैं अनवर। अनवर ने कितनी फ्रूट बास्केट बेची है काउंट करते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। एक का मतलब क्या है 100 है, तो 100 हम काउंट करेंगे तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो अनवर ने कितनी फ्रूट बास्केट बेची है 700। नेक्स्ट आते हैं मार्टिन। मार्टिन ने कितनी फ्रूट बास्केट बेची है हम देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये आधा है तो 50, तो कितना हो गया 950 हो गया। अब रंजीत सिंह ने कितनी फ्रूट बास्केट बेची है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 या फिर टोटल काउंट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 टोटल आना कितना है 800 आना है। नेक्स्ट चलेंगे जोसेफ ने कितनी फ्रूट बास्केट बेची, 100, 200, 300, 400 और ये कितना है 50, क्योंकि आधा क्या होता है 100 का आधा कर दो 50, तो ये क्या हो गया 450। तो रहीम ने पर्टिकुलर सीजन में कितनी फ्रूट बास्केट बेची है, 400। लखनपाल ने 550 फ्रूट बास्केट बेची है। अनवर ने 700 फ्रूट बास्केट बेची है। मार्टिन ने 950 फ्रूट बास्केट बेची है और रंजीत सिंह ने 800 फ्रूट बास्केट बेची है। जोसेफ ने 450 फ्रूट बास्केट बेची है। अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ, इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन पुट अप कर रखे हैं उनके आंसर दो। पहला है विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, किस मर्चेंट ने, किस व्यापारी ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बास्केट बेची है फ्रूट की, तो सबसे ज़्यादा किसकी है यहाँ पर, तो ये वैसे दिखने में भी लग रहा है कि मार्टिन ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बास्केट बेची है 950, वैसे भी इसकी रो सबसे आगे तक जा रही है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बास्केट किसने बेची है मार्टिन ने, तो एक हमारा आंसर क्या हो जाएगा मार्टिन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बी। हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाई अनवर, अनवर के द्वारा कितनी फ्रूट बास्केट सोल्ड की गई है बताओ। अनवर ने कितनी फ्रूट बास्केट सोल्ड की है, 700 फ्रूट बास्केट सोल्ड किया है। नेक्स्ट सी पार्ट, द मर्चेंट हु है सोल्ड 600 मोर नंबर ऑफ बास्केट, उस मर्चेंट को बताना है जिसने 600 या इससे ज़्यादा नंबर ऑफ बास्केट आर प्लानिंग टू बाई ए गोडाउन फॉर नेक्स्ट सेशन। द मर्चेंट हु हैव सोल्ड, जिसने बेची 600 और मोर देन बास्केट, या 600 या 600 से ज़्यादा बास्केट बेची है, प्लानिंग टू बाई ए गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कि मैं नए सीजन में अगर मैं 600 से ज़्यादा बास्केट बेच देता हूँ फ्रूट की, तो नया सीजन जो आएगा उसमें मैं अपना गोदाउन बना लूँगा खुद ही। कैन यू नेम देम, क्या तुम उसके नेम बता सकते हो, तो कौन कौन सी व्यापारी है जिसने 600 या 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट बेची, तो रहीम ने तो 400 बेची, ये तो 600 से कम है। लखनपाल ने 550 बेची, ये भी 600 से कम है। अनवर ने 700 बेची है जो 600 से ज़्यादा है, तो 600 या मोर देन 600 बताना है, तो एक तो हो गया अनवर।
मार्टिन ने भी 600 से ज़्यादा बेची है, 950। फिर रंजीत सिंह ने भी 600 से ज़्यादा बेची है, 800 बेची है। और जोसेफ ने तो 450 बेची है, जो 600 से कम है। तो हमारे कौन कौन से आंसर आ गए मर्चेंट, जिन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा फ्रूट ऑफ बास्केट बेची है, तो अनवर, मार्टिन और रणजीत सिंह। तो ये हमने 7 क्वेश्चन किया, इसके कुछ बेस, इस पे बेस कुछ कॉन्सेप्ट पिक्टोग्राफ पे क्वेश्चन पुट अप कर रखे थे, उनका हमने आंसर दिया है। और ये 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ साथ हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और 9.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। कोई डाउट आए तो प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स क्लास 6 बना रखी है, वहाँ से सोल्व कर सकते हो। वहाँ पे सारी एक्सरसाइज सीक्वेंस में लगा रखी है और उनके क्वेश्चन भी। तो जब भी कोई डाउट आए तो प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहाँ से डाउट को क्लियर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहना है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।